घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। देश में संपूर्ण लॉकडाउन का आज 10वां दिन है और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश को संबोधन किया गया। उसमें उन्होंने जनता से, देश की जनता से अपील की है कि 5 अप्रैल को 9 बजे रात्रि में घर के सारे लाइट बुझाकर बालकनी में मोमबत्ती, दिया या मोबाइल का फ्लैश लाइट जला करके निकलें ताकि कोरोना जैसे संक्रमण पर हम विजय पाएं। और उसी कड़ी में आज हम पटना के कारगिल चौक पे खड़े हैं। यहाँ पर स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर पुलिसकर्मी जो पटना पुलिस के यहाँ पे तैनात हैं उनको मोमबत्ती दिया जा रहा है। और मोमबत्ती दे करके प्रधानमंत्री के उस संबोधन को उनको बतलाया जा रहा है कि 5 अप्रैल को 9 बजे रात्रि में इस मोमबत्ती को जलाना है, घर के लाइट को बंद करने के बाद बालकनी में दरवाजे पे मोमबत्ती हो, दिया हो, मोबाइल का फ्लैश लाइट हो, टॉर्च हो, कोई भी चीज़ हो। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा है कि आप सब एकजुट होकर, पूरा देश एकजुट होकर के इस तरीके से कोरोना जैसे संक्रमण पर हम लोग विजय पाएंगे। और देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पे मोमबत्ती का वितरण कर रहे हैं लोगों के बीच, पुलिसकर्मी के बीच। इस पे लिखा हुआ है 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे अपने घर में दिया, मोमबत्ती, मोबाइल का लाइट या टॉर्च जलाएं। आइए इनसे बात करते हैं किस तरीके से ये आप यहाँ पे पुलिसकर्मी के बीच मोमबत्ती वितरण कर रहे हैं, क्या है पूरा। देश के प्रधानमंत्री लगातार कोरोना वायरस जिस तरीके से पूरे दुनिया को तबाह किए हुए हैं, उनका एक आह्वान था आज कि लोग अपने घर में 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे कैंडल जलाएं, दिया जलाएं, टॉर्च की लाइटें जलाएं। इसलिए तमाम पुलिस कर्मियों के बीच आज हम लोग कैंडल का वितरण कर रहे हैं, हाथ सैनिटाइज करवा रहे हैं। इस प्रधानमंत्री जी के आह्वान को लोग माने, चूँकि ये प्रशासन के जो लोग हैं 24 घंटा लगातार हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग उनको दे रहे हैं ताकि ये जब जाएं अपने घर रात में अपने घर ये ले जाएं। तो इस लॉकडाउन के घड़ी में हाथ को सैनिटाइज करवा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए हैं। पुलिसकर्मी को आप दिखाइए, पुलिसकर्मी के बीच इन्होंने मोमबत्तियाँ वितरण इनके द्वारा किया गया ताकि 5 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज संबोधन में देश की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 5 अप्रैल को 9 बजे रात्रि में लोग अपने घरों के लाइट को बंद कर दें, बिजली से चलने वाली सारी उपकरणों को बंद करके, लाइट को बंद करके, हाथ में कैंडल लेकर के, दिया लेकर के, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाएं या टॉर्च जलाएं, उस बीच उसके साथ अपने बालकनी में, दरवाजे पे, छत पे निकले ताकि कोरोना संक्रमण से इस लड़ाई में देश विजय पाए। लगातार हम आपको अपडेट कराते रहेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लेकिन एक अपील के साथ कि इस लॉकडाउन के घड़ी में आप घर में रहें।